हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर आप 8000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में एक बेस्ट होम थिएटर सिस्टम या एक बेस्ट ड्यूअल टावर स्पीकर सर्च कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 होम थिएटर और 3 टावर स्पीकर जो कि आपको 8000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। और यहां पर आपको टॉप नॉच साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। और जितना पैसा आप इन सिस्टम्स के लिए दे रहे हैं, ये आपको आपके पूरे पैसे की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहां पर दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट में हम बात करें तो आपको सैकड़ों म्यूजिक सिस्टम्स मिल जाएंगे अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सर्च करने जाएंगे तो। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट सिस्टम को ही मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। और सभी के सभी सिस्टम के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप करंट प्राइस को चेक करने के लिए उन लिंक पर क्लिक करके प्राइस को चेक कर सकते हैं और परचेस करना चाहे तो भी वहां से परचेस कर सकते हैं। तो फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले होम थिएटर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर मैंने 8000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में आने वाले बेस्ट 3 सिस्टम को सिलेक्ट किया है। जहाँ पर पहला सिस्टम है सोनी SAD40 80 वॉट, दूसरा सिस्टम है ओबेज ST144 100 वॉट और तीसरा सिस्टम है इन्फिनिटी हार्ड रॉक 410 और यहाँ पर ये आता है 200 वॉट RMS के साथ में। प्राइस की मैं बात करूँ तो सोनी SAD40 आपको अभी मिल रहा है 8490 रुपए में, ओबेज का ST144 मिल रहा है 5980 रुपए में और इन्फिनिटी का हार्ड रॉक 410 आपको मिल रहा है 7899 रुपए में। तीनों का प्राइस सेगमेंट बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि तीनों के अंदर क्या खासियत देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों हम सोनी के सिस्टम की, सोनी के इस सिस्टम की साउंड क्वालिटी की हम बात करें तो साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। 4.1 सिस्टम है, यहाँ पर आपको 4 सैटेलाइट यूनिट देखने को मिलते हैं, 1 सबवूफर यूनिट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको बेस काफी अच्छा देखने को मिलता है, ट्रबल्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, वोकल्स काफी अच्छे निकल करके आते हैं। और यहाँ पर अगर आप म्यूजिक सुनने के लिए सिस्टम परचेस कर रहे हैं तो इस सिस्टम को परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टीवी के साथ में सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो फिर ये सिस्टम आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नॉब देखने को नहीं मिलता। इसमें जो बाय डिफॉल्ट बेस आती है वो बेस ही आपको सुनना पड़ेगी, आप यहाँ पर बेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो केवल और केवल अगर आपको केवल म्यूजिक सुनने के लिए ही सिस्टम लेना है तो आप ये सिस्टम परचेस कर सकते हैं, इस सिस्टम की लाउडनेस भी काफी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इन्फिनिटी हार्ड रॉक 410 की, तो ये 200 वॉट RMS के साथ में आता है और यहाँ पर इसके साउंड सिग्नेचर में बेस को बहुत ही ज्यादा बूस्ट किया हुआ है। अगर आपको म्यूजिक के अंदर हैवी बेस चाहिए, ट्रबल चाहे लो हो लेकिन बेस हैवी चाहिए, पार्टी के लिए स्पीकर लेना चाहते हैं तो फिर ये सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी 4.1 सिस्टम है, आपको यहाँ पर लाउडनेस बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, बेस भी बहुत तगड़ा देखने को मिलता है हाई वॉल्यूम पर। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को लो वॉल्यूम पर सुनते हैं, अगर आप अपने रूम में बैठकर के कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम करते हुए म्यूजिक को एंजॉय करना चाहते हैं और लो वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं मिड नाइट के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो लोअर बेस है वो बहुत ही बेकार इसके अंदर देखने को मिलती है, लोअर बेस यहाँ पर आपको फील नहीं होगी क्योंकि इसके साउंड सिग्नेचर में बेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया हुआ है। तो अगर आप हैवी बेस लवर हैं तो फिर ये सिस्टम आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आपको बैलेंस्ड ऑडियो सुनना है जहाँ पर बेस भी अच्छा हो, ट्रबल भी अच्छा हो और म्यूजिक आपको डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सिस्टम रहेगा ओबेज का ST144। ये न्यूली लॉन्च सिस्टम है ओबेज की तरफ से और ओबेज एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों जो बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसकी एक खास वजह है इसकी साउंड क्वालिटी। अगर आप ओबेज के सिस्टम्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन कोई खास देखने को नहीं मिलता, बटन भी वो बहुत ही सिंपल देते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही सिंपल डिजाइन में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करें साउंड की तो साउंड आपको यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलता है। और ओबेज का जो ST144 है ये एक 2.1 चैनल सिस्टम है, यहाँ पर आपको 2 सैटेलाइट देखने को मिलते हैं, लेकिन सैटेलाइट स्पीकर के ऊपर भी आपको एक स्पीकर और एक ट्विटर देखने को मिलता है। यहाँ पर 4 इंच का फुल रेंज स्पीकर और 2.5 इंच का ट्विटर देखने को मिलता है आपको दोनों सैटेलाइट स्पीकर पे। और यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्विटर होने की वजह से आपको ट्रबल बहुत ही ज्यादा क्लियर यहाँ पर सुनाई देता है, एक एक चीज को आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बेस की बात करूं तो 6.5 इंच का सबवूफर यूनिट इसके अंदर दिया गया है और कैबिनेट काफी हैवी बनाया गया है और कैबिनेट काफी बड़ा भी बनाया गया है, इस वजह से इसके अंदर बेस काफी अच्छी जनरेट होती है, तो बेस भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसका डिस्टॉर्शन रेशियो केवल 1% के पास, यानी कि जो इसका टोटल पावर आउटपुट है 100 वॉट उसके अंदर आपको केवल 1% यहां पर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। और बाकी जो दोनों सिस्टम की हम बात करें तो उन्होंने बताया नहीं कि उनके सिस्टम में डिस्टॉर्शन कितना है, तो यहां पर इस ब्रांड के ऊपर ऐसे भी हमें ट्रस्ट हो जाता है कि ये बता रहे हैं, अपने स्पेसिफिकेशंस में मेंशन कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इतना डिस्टॉर्शन है। कंक्लूजन की बात करें तीनों में से दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ही ज्यादा हैवी बेस चाहिए तो आपको इन्फिनिटी हार्ड रॉक 410 की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड और मेलोडियस साउंड चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसा साउंड कंपोज हुआ है वैसा ही सुनना, फ्लैट सिग्नेचर साउंड चाहिए,
तो ओबेज HD144 सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर सोनी SAD40 भी अच्छा सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर बेस कंट्रोल आप नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान में रखिएगा परचेज करते टाइम पर। तीनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं हम टावर स्पीकर्स की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने तीन टावर स्पीकर को सिलेक्ट किया है। पहला सिस्टम यहाँ पर आता है FND की तरफ से, FND T60X 2.10 110 वॉट। दूसरा सिस्टम आता है ओबेज DT51 और तीसरा आता है ओबेज DT2605। और ये दोनों ही सिस्टम 100 वॉट RMS के साथ में आते हैं। और पहले हम बात करें यहाँ पर FND के सिस्टम की, तो इसका प्राइस अराउंड आपको 10,700 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो 8,000 रुपए से ये काफी ऊपर है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में मुझे ऐसा कोई स्पीकर नहीं मिला है जो कि इस प्राइस की वैल्यू को अच्छे से जस्टिफाई करता हो, इसलिए मैंने इस सिस्टम को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। लेकिन अभी अगर आप इस सिस्टम को परचेस करते हैं तो अभी आज या कल में अगर आप ऑर्डर कर देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो आप 10,000 रुपए से भी कम की प्राइस रेंज में इसे परचेस कर पाएंगे। और बाकी दोनों सिस्टम की मैं बात करूं तो ये आप 7,000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में आसानी से परचेस कर सकते हैं। स्पीकर डायमेंशन की यहाँ पर बात करें तो आपको 8 इंच का बेस देखने को मिलता है दोनों में ही, यानी कि 8-8 इंच के आपको दो बेस दोनों ही ड्यूअल टावर स्पीकर में देखने को मिलेंगे। एक एक ट्विटर देखने को मिलता है और दो दो स्पीकर आपको दोनों पर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस सिस्टम की SNR रेटिंग है 70 डेसिबल और इसके फ्रीक्वेंसी रेंज की मैं बात करूँ तो ये आती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। साथ ही सिस्टम की खासियत की हम बात करें तो ये काफी लाउड सिस्टम है, हाई वॉल्यूम पर भी आपको डिस्टॉर्शन इतना ज्यादा महसूस नहीं होता। अगर आप पार्टी के लिए स्पेशल परचेस करना चाहते हैं तो पार्टी के लिए आप इस सिस्टम को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ओबेज के जो सिस्टम है वो स्पेशली पार्टी के लिए नहीं होते हैं, वो इंडोर यूज के लिए सिस्टम होते हैं। FND के इस सिस्टम को आप आउटडोर भी काफी अच्छे से और काफी लाउड वॉल्यूम पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें ओबेज के DT51 स्पीकर की, तो यहाँ पर इसका साउंड सिग्नेचर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों लोअर बेस और ट्रबल को थोड़ा सा बूस्ट किया गया है और अपर बेस और मिड्स को थोड़ा सा कम रखा गया है। और डिस्टॉर्शन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1% डिस्टॉर्शन रेशियो देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। अब यहाँ पर दोस्तों सिस्टम के साउंड क्वालिटी की हम बात करें तो यहाँ पर आपको लोअर बेस बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और अपर बेस की हम बात करें तो ये अपर बेस आपको थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आपको मेलोडियस साउंड सुनना है, जिस साउंड के अंदर ट्रबल ज्यादा अच्छा हो, बेस थोड़ा सा कम हो यानी कि मीडियम हो, तो ये सिस्टम आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम दोनों पर ही बेस अच्छा चाहिए तो फिर आपके लिए ओबेज DT2605 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इन दोनों के प्राइस डिफरेंस की हम बात करें तो लगभग 550 रुपए का प्राइस डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ओबेज का DT2605 बिल्कुल फ्लैट साउंड सिग्नेचर के साथ में आता है, यानी कि यहाँ पर आपको जैसा साउंड कंपोज हुआ है वैसा का वैसा ही सुनने को मिलेगा। आपको अगर हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम पर अच्छा बेस चाहिए तो फिर ओबेज का DT2605 सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको अच्छा और मेलोडियस साउंड चाहिए तो आप ओबेज का सिस्टम परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको पार्टी के लिए स्पीकर चाहिए, हाई वॉल्यूम पर सुनने के लिए चाहिए, तो फिर आप FND का T60X परचेस कर सकते हैं। तीनों ही के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर इन सिस्टम के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।